राजभवन में फल शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। राज्यपाल की उपस्थिति में अच्छा उत्पादन करने वाले किसानों को किया गया सम्मानित। बीस फरवरी तक आमजन देख सकेंगे राजभवन की शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में कुल 48 क्लास और 628 वर्ग में प्रतिभागी कर रहे हैं प्रतिभाग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी उद्योग के 120 वर्ष पूरा होने पर कहा आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का बड़ा स्रोत बनेगी चीनी मिल। कोरोना काल के दौरान सत्र 2020-21 में ली गई फीस का 15% स्कूलों को करना होगा वापस। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने आदेश किया जारी। पूरे प्रदेश में संपन्न कराई जा रही है नकल विहीन परीक्षा। परीक्षार्थियों पर कंट्रोल रूम से सेंटरों पर रखी जा रही है नजर। बाराबंकी के फतेहपुर तहसील के यूनियन बैंक में सीबीआई ने मारा छापा। नोटबंदी के दौरान हेरफेर करने के हैं आरोप। सभी तरह के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर जांच अभियान शुरू। पहली बार में 5,000, दूसरी बार में 10,000 और तीसरी बार में 15,000 रुपए का होगा चालान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर टिप्पणी पर सपा नेता डॉ. रोली तिवारी और ऋचा सिंह का पार्टी से निष्कासन। सपा की ओर से ट्वीट कर दी गई जानकारी। ऋचा सिंह ने समाजवादी पार्टी की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय विरोधी कार्रवाई करार दिया। कहा सपा की ओर से एक तरफा की गई कार्रवाई। वाराणसी में बसंत पंचमी को बाबा के तिलकोत्सव से महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों की हुई शुरुआत। महाशिवरात्रि पर होगा बाबा विवाह।